नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कोर्न कैसे होता है और उसकी दवाई क्या है। कोर्न होने का कारण है अनफिटिंग वेल जूता पहनने से। मांस का बार बार दबाव होने से कोर्न का रूप धारण कर लेता है, और जैसे कि आदमी ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा चलता है तो उसी जगह बार बार जब दबाव पड़ता है मांस में तो कोर्न हो जाता है, और ये कोर्न हमेशा दर्द देता है। आप कहीं भी जाओगे हमेशा दर्द बना रहेगा, वहाँ मांस बड़ा होता मिलेगा आपको। तो इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा, घरेलू उपाय मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। घरेलू उपाय आपको करना क्या होगा, आप क्यूमिक स्टोन, एक पत्थर होता है जो आपको मेडिकल या सिंगार की दुकान में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं आप इसे। इसमें से एंडियां साफ होती हैं, है ना, ठीक है। एक पत्थर ये आप ही लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप तो मदार जानते ही होंगे, मदार का पेड़ बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो करना क्या है आपको भैया, कि एक बर्तन में जब आप उसकी डंठी तोड़ेंगे मदार की तो उसमें से दूध निकलता है, तो एक बर्तन में ऐसा करिए कि आप उसमें कुछ बूंदे दूध अपने बर्तन में ले लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसको क्या करना है आपको, नहाने के बाद आप वहाँ पहले थोड़ा सा जो ट्यूमिक स्टोन पत्थर आपने लिया है उसे वहाँ थोड़ा रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद वहाँ साफ रख दीजिए, ठीक है ना, साफ करने के बाद रगड़ना पड़ेगा। रगड़ने के बाद आपको वही जो आपने दूध लिया है उसमें एक रुई में भिगो के उसी स्थान में लगाना है जहाँ आपको कोर्न हुआ है, और लगाने के बाद आपको पट्टी या टेप से बांध देना है, चिपका देना है, ताकि वो वहीं पे लगा रहे, पूरा दिन लगा रहे आपको। तो उसके बाद आपको करना क्या है, पूरा दिन लगा रहेगा, और आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सफाई हमेशा रखना पड़ेगा उस स्थान में, आपको जैसे धूल मिट्टी ना बैठे। इसके लिए आपको मोजा जूता भी पहन सकते हैं, मोजा पहन लीजिए और फिर उसके बाद जूता पहन लीजिए, ठीक है ना। पूरा दिन उसी तरह पड़ा रहने दीजिए, है ना। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन आप फिर नहाने बैठोगे तो उसे खोलेंगे, खोलने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ का मांस थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वही ट्यूमिक स्टोन से आप उसे साफ करेंगे, रगड़ेंगे। फिर उसके बाद वही मदार का पत्ता दूध जो होता है आप फिर उसे दूसरे दिन भी एक बर्तन में निकाल के और रुई में भिगो के फिर उसी स्थान में लगा दीजिए। ऐसा यही प्रक्रिया आपको 10 दिन या 15 दिन लगातार करना है, तो धीरे 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 आपका ये जो कोर्न है तो जड़ से निकल जाएगा। आप एक दिन देखेंगे कि वहाँ एक छोटा सा एक गड्ढा बन जाएगा, जब ये आपका कोर्न निकल जाएगा तो वहाँ एक गड्ढे तरीके बन जाएगा, आपको ये दर्द से निजात भी मिल जाएगा हमेशा के लिए, आपको जड़ से कोर्न निकल जाएगा। जितना पुराना है थोड़ा सा समय भी ले सकता है, 15-20 दिन का समय ले सकता है, तो आपको ये लगातार करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मदार का पत्ता और स्टोन पत्थर आपको उसके आगे स्टोन पत्थर लगा के मदार का दूध लगा के इसके दूसरे हर दूसरे दिन इसे रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह करते रहिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह का मैं वीडियो, इस तरह की जानकारी हमेशा देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।